महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य और केंद्र सरकार का योजनाएं चला रही है और योजनाओं के तहत महिला स्व सहायता समूह का गठन कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रही है। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी सरकार की मंशा पर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। मामला छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ जिले का है, जहां मां कल्याणी स्व सहायता समूह में 14 सदस्यों ने महिलाओं का नाम तो है लेकिन पुरुषों को नौकरी दी गई है। बताया जा रहा है कि एक सदस्य तो कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी और नगर पंचायत का एल्डरमैन भी है, जो मनमाने तरीके से समूह चला रहा है। आप माँ कल्याणी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हैं, आप ये बताइए जब ये खाना अस्पताल में खिलाने का टेंडर हुआ इसके बारे में आपको जानकारी थी कि नहीं थी? नहीं, जानकारी थी लेकिन मैं अपने मायके गई थी तो नहीं आ पाई मैं। तो टेंडर भरते समय आप नहीं थे? नहीं थी, आवेदन बस दिए थे हम लोग, हम खुद से करेंगे करके। अब कर तो अभी आप किसके द्वारा कराया जा रहा है? अभी शेख शरीफ भैया करवा रहे हैं, खाना वही खिलवा रहे हैं। जी सर। आप लोगों को रोजी में रखे हैं क्या है? जी, हम लोगों को मतलब दोनों को 3,500 रुपए दे रहे हैं। दो लोगों को आप लोगों को 3,500 रुपए महीना दिया जाता है? जी। टेंडर कौन भरा था? हम लोग डाले थे, हम करेंगे करके। आप लोग लिख के दिए? जी सर। हम मगर आप लोग नहीं दिए, आप लोग नहीं खिला रहे हो? नहीं। शेख शरीफ को ऐसे खिला रहे हैं? जी। कल्याणी महिला स्व सहायता समूह में आप किस पद पर हैं? क्योंकि वो महिला समूह है उसमें आप किस पद पर हैं? चूँकि वो महिला स्व सहायता समूह के जरिए संचालन हो रहा है, आप तो महिला नहीं है, ना ही आप किसी पद पर है, तो मेरा उसमें कोई दस्तखत सिग्नेचर नहीं है। उनका बिल लगा है, टेंडर उनके समिति के नाम से लगा है। इसका मतलब आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं, 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 है? नहीं, उसमें सारे सिग्नेचर लगे हैं पूरे समूह की महिलाओं का सारे। अच्छा, आप कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। ओके, थैंक यू। इसका विधिवत रूप से टेंडर निकाला गया था और टेंडर में जो स्व सहायता समूह अंकित है, माँ कल्याणी स्व सहायता समूह, उन्हीं को इसका प्रबंधन के लिए दिया गया था। और हमारे तरफ से भी जो भी किया जाता है बातचीत वगैरह व्यवहारिक रूप से, वो उन्हीं के सम्मुख से किया जाता है।